Good morning, children. Welcome back to online classes. Today I teach you class at math square and square root, जो chapter number 3 RS Agarwal book से है. Okay. इसमें हम लोग जो है exercise 3A जो हम लोग question number 1 part 2 video में देख चुके हैं. आज हम लोग part 3 video में हम लोग question number 2 से शुरू करेंगे. Okay. Start करते हैं. So that each of the following number is the perfect square. In each case, find the number whose square is the given number. Okay. आपको इसके जो नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर निकालना है. ओके, तो हम देखते हैं कैसे स्क्वायर निकालेंगे इसको. क्वेश्चन से 1225 कैसे निकालेंगे इसको, मल्टीप्लाई रूल से देखते हैं हम लोग. 5 से करेंगे, 5 2 10, 5 4 20 और 5 5 25 तो 5 से देखेंगे 5 4 20 और 5 5 5 9 45 7 से 7 7 45 तो हम लोग इसका देखेंगे 5 into 5 into 7 into 7. इसमें हम लोग जानते हैं इसको निकालेंगे, इसको पेयर करेंगे. ओके, तो 5 5 का पेयर हो जाएगा 5 और 7 7 का 7. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35 35 स्क्वायर आर 12025. ओके, नंबर 2 क्वेश्चन नंबर देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2601 3 से करेंगे इसको, 3 8 24 और 20, 3 6 18 3 7 21. ओके, 3 6 को भी चेक करेंगे, 3 3 2 6 3 8 24 3 9 27. ओके, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 229 17 का क्या है रूट है, तो 17 में 17 289. इसमें हम लोग 3 into 3 into 7 into 17, सॉरी 17 into 17, 3 3 70 70. इसमें देखेंगे, इसमें पेयर निकालेंगे 3 और इसमें होगा 70 51 आंसर. ओके, स्क्वायर है 51 स्क्वायर है 2601. ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, By what list the list number should be given, numbers be multiplied to get a perfect square numbers. In each case, find the number whose square is the new number. Okay? यहाँ पे आपको बताना है बेटा कि इसमें लिस्ट नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है जो इसको मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर अभी नहीं है. ओके, इस प्रकार का तरीका है, मल्टीप्लाई रूल से करेंगे 36 75 को पहले 3 से देखते हैं, 3 1 3 3 2 6 और 3 2 6 और 3 5 15. अब 3 से फिर चेक करेंगे, 3 से नहीं जाएगा बेटा. ओके, 4 से नहीं जाएगा, 5 से लगाएंगे, 5 से 5 2 10 5 4 20 और 5 5 25. ओके, फिर 5 से चेक करो, 5 4 20 5 9 25. ओके, 7 से चेक करेंगे, 7 7 49. इसमें पेयर क्या बन रहा है बेटा, आपको पेयर से बन रहा है 5 into 5 7 into 7. ओके, 3 का पेयर नहीं बन रहा है इसमें, 3 1 ही है. इसका मतलब हम लोग अगर इसको पेयर बना देंगे, हम लोग एक और 3 ले लेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा. ओके, तो इसमें से हम लोग निकालेंगे 5 और इसको निकालेंगे 7. ओके, 3 ले लेंगे, आपका क्या आ जाएगा 105, यानी 105 का स्क्वायर आपका क्या होगा, करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 105 जो है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, दस, ठीक है, टू गेट स्क्वायर द गिवन नंबर, द
the given number should be, your given number should be multiplied by 3. तो न्यू नंबर क्या मिलेगा आपका? न्यू नंबर आर 100. फाइव कर सकते हैं न्यू, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू नंबर आर 3 इंटू 5 इंटू 7 100. इस तरह से बेटा आप जितने भी क्वेश्चन से आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन पे प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करके हमसे पूछ सकते हैं. ओके बेटा, थैंक यू.